वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, मैं आपका दोस्त रोहित कुशवा। सो आज आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइस हम जानते हैं हम टीवीएस राइडर चलाते हैं, रेगुलर राइडर हैं। तो गाइस रिसेंटली मेरी बाइक गिर गई थी, तो गाइस उसके दौरान मेरी बाइक में काफ़ी सारे इशूज़ आ गए थे। तो गाइस अपनी बाइक हम बता चुके हैं फर्दर वीडियोज़ में, हमारी 5000 किलोमीटर चल चुकी है। तो गाइस सेकंड सर्विस का टाइम था 5500 किलोमीटर सर्विस करानी थी। तो गाइस मुझे पहले आना पड़ा अराउंड 5250 पे सर्विस मुझे कराने आना पड़ा, बिकॉज मेरी बाइक गिर गई थी तो काफ़ी इशूज़ आने लगे थे इसमें। लाइक मतलब इसका जो फुट रैप था वो टेढ़ा हो गया था, आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, इससे काफ़ी दिक्कत आने लगी थी वीडियो में। तो गाइस उसके बाद इसका जो हैंडल था वो भी टेढ़ा हो गया था, उसका जो साइड मिरर्स दे रखे हैं बिल्ड क्वालिटी वाले वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, आप देख सकते हो वहाँ पे भी। उसके बाद गाइस जो उसका बैक है, जैसे सोकर है, उसके पीछे रियर सोकर है, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे अगर मैं लोड देता हूँ तो ग्राउंड से टच होते, पता नहीं क्या इशू आ रहा था, आवाज़ क्रिएट कर रहा था। तो गाइस फिर मुझे लगा कि इसका वेट नहीं करना चाहिए, सेकंड सर्विस करा लेनी चाहिए मेरे को। तो गाइस आज हम सेकंड सर्विस कराएंगे, उसमें देखते हैं क्या क्या इसमें इशूज़ आएँ, क्या क्या इसमें रिप्लेसमेंट, क्या क्या चार्ज लगेंगे। तो गाइस पूरी डिटेल वीडियो होगी आपके लिए। तो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अच्छे से बाइक को धो दिया गया, धोने के बाद उसे सर्विस के लिए तो रेडी करा गया। धोने के और सर्विस के बीच में जो गैप था वो बहुत ही ज़्यादा था, उन्होंने हमें कम से कम 4.5 घंटे के आसपास बिठा के रखा था सर्विस के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन सर्विस किस तरह से हुई वो आपको देख ही सकते हो। A few inches later. सर्विस होने के बाद तो हमारी बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से चमक रही थी, आप भी जैसे कि देख सकते होंगे। Wow! Beautiful! और क्या क्या चेंजेस हमें सर्विस कराने के बाद महसूस हुए हैं वो सब आपको रोहित बताएगा। तो गाइस आपने देखा होगा मैं बाइक की सेकंड सर्विस करा चुके हैं। अब गाइस सेकंड सर्विस के बाद इसमें क्या क्या मुझे जो पहले दिक्कत थी वो सही हुई है या नहीं हुई है, जो भी मुझे डिफरेंस देखने को मिला आपको बताता हूँ कंप्लीट वीडियो में। तो गाइस पहले तो आपको बताता हूँ कि कितना प्राइस लगा मेरे को। गाइस इसका पहले तो उन्होंने बोला कि जेन्युइन पार्ट से ही आपके जो इंजन ऑयल होता है वो चेंज होता है, अराउंड इसका 715 का इंजन ऑयल पड़ा था। उसके बाद गाइस मेरी जो चेन में काफ़ी रश आ चुका, तो उन्होंने बोला था कि चेन कवर का उसका आता है एक स्प्रे आता है वो ले लेना आप उसका, तो कभी रश नहीं लगेगा चेन में। तो गाइस इन्होंने चेन क्लीनिंग के 250 अलग से लिए थे सर्विस टाइम पे। उसके बाद गाइस इन्होंने 50 अलग से चार्ज किया था, अराउंड मेरा 1000 पड़ गया था सेकंड सर्विस में कंप्लीट। गाइस बीच मेरी बाइक गिर भी गई था, आपको मैंने बताया था इस वीडियो में, काफ़ी दिक्कत आई थी गिरने के बाद, आप देख सकते हो ये निशान पड़ चुके थे बाइक पे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको, ये फुट रैप भी पूरा टेढ़ा हो चुका था, उन्होंने सही कराया सर्विस में। और गाइस आप देख सकते हो हैंडल पे भी काफ़ी निशान पड़ चुके थे ऐसे। तो गाइस उन्होंने सबसे बड़ी मेजर इशू उसमें ये नहीं था कि निशान पड़ चुके, मेजर इशू ये था कि जब मैं किसी पीछे बैठाता हूँ ना तो उसका कुछ सोकर साइड कुछ नीचे लगता है जो आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी। तो आज उनसे ये ठीक करवाइए, तो गाइस टोटल अराउंड 1000 लगा था। और गाइस ठीक कराने के बाद मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, सबसे बड़ी कमी तो ठीक हो गई है। इवन गाइस बाइक काफ़ी स्मूथ चल रही है, इवन इसका जो ब्रेक थे वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए, जो पहले आवाज़ कर रहे थे मैंने वीडियोस में बताया कि बाइक आवाज़ करने लगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है और बाइक पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। और गाइस इसमें जो एफिशिएंसी थी पेट्रोल की वो काफ़ी बढ़ी है एवरेज भी, जैसे गाइस मैंने कभी एक ही दिन हुआ है कराए हुए, तो अब जो पैड माइलेज टेस्ट करेंगे सेकंड सर्विस के बाद की क्या क्या माइलेज में फ़र्क आया है। तो गाइस वीडियो में बनी रही है, एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।